थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शक को हम आपको बता दें किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अमली पदार्थ यानी एमडी को बनाने की फैक्ट्री को शुरू किया जा रहा था, लेकिन सही समय पे पुलिस को ये ट्रैप मिला और पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इस पे जाल बिछाया और कई एमडी तस्करों को हिरासत में लिया, जिसके चलते खुलासा हुआ हरियाणा से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक के ये प्रतिबंधित जो एमडी की तस्करी है इस पे रोक लगाने के लिए कड़ा संज्ञान लिया गया, जिसके ऊपर पत्रकार परिषद के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी बात रखी और उसी के साथ में इन्होंने सारे आरोपियों का वर्णन किया। आप देख सकते हैं थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। थाना क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल का जो काम है उनको एक इन्फॉर्मेशन आई थी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिंदे और PI बने और उनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक जगह पे MD बेचने के लिए आदमी आ रहा है, आरोपी आ रहा है, तो उन्होंने ट्रैप लगाया था। उसमें जितेंद्र चौहान और सचिन चौहान ऐसे दो आरोपी ट्रैप में पकड़े गए। उनके पास से लगभग 63 ग्राम MD बरामद हुआ और उसका लगभग 2,52,000 उसका वैल्यू है। उसके बाद हमने गुना दाखिल किया। इंट्रोगेशन में बाद में ऐसा पता चला कि इसके पीछे दिनेश कोडमूर करके नवी मुंबई का जो आरोपी उसने इनको बेचा है, तो दिनेश कोडमूर के ऊपर हमने ट्रैप लगाया। उसके पास से हमें लगभग 54 ग्राम MD उसको बरामद हुआ और उसका लगभग कीमत है 2,16,000। तो दिनेश कोडमूर को अरेस्ट करने के बाद ऐसा पता चला कि उसके पीछे भी सलाउद्दीन शेख करके एक एजेंट है जो मुमरा का रहने वाला है, वो एक्चुअली उसने इसको बेचा है, ये इसको भी अरेस्ट किया। तो उसके बाद पता चला कि उसका जो मालिक है अभिषेक कुंतल, ये इसमें एक्चुअली मेन विक्रेता है, तो उसको भी हमने अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करने के बाद जब हम इंटरोगेशन किया और उसका जो सब डेटा वगैरह हमने एनालिसिस किया, तो उसमें ऐसा पता चला कि ये जो है अभिषेक कुंतल, ये फैक्ट्री MD प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री बनाने का उसका काम चल रहा था। उसके जो व्हाट्सअप चैट है उसमें MD बनाने के लिए जो केमिकल लगते हैं, प्रोडक्ट्स लगते हैं, उसका कहाँ पे मिलता है वगैरह, ऐसा कॉन्वर्सेशन उसका है, और जो उसमें रिएक्टर उसमें लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो रिएक्टर भी उन्होंने एक जगह पे खेड़, रत्नागिरी का खेड़ जो है MIDC, वहाँ पे उन्होंने रिएक्टर भी ला के रखा था। वहाँ पे एक लैंड भी उन्होंने देख के रखी थी, उसका इनिशियल डीलिंग चल रहा था और ये पूरा उनका फैक्ट्री सेटअप करने के लिए उनका पूरा ये चल रहा था। इनिशियल स्टेज में ही इन्वेस्टिगेशन में पता चलने की वजह से उनका जो आगे का जो मंशा थी वो कुछ सफल नहीं हो पाई, उसमें वो अरेस्ट हो गए। उसमें और एक मास्टरमाइंड जो संतोष सिंह करके है, वो एक्चुअली इसमें मास्टरमाइंड है, और ये और अभिषेक कुंतल और उसके और दो तीन साथीदार मिलके उन्होंने हरियाणा में एक फैक्ट्री सेटअप किया था। उसमें प्रोडक्शन बाकायदा MD का चालू था और तब जुलाई 22 में यहाँ पे DRI ने रेड करी और DRI ने वहाँ पे ये सब जो आरोपी थे उनको अरेस्ट किया। वहाँ पे वो सब फैक्ट्री वगैरह सील की, लगभग 661 kg MD वहाँ से बरामद किया उन्होंने। और उसमें राजू सिंह उसको संतोष सिंह उसको राजू उसमें अरेस्ट किया गया और उसमें अभिषेक कुंतल भी शामिल था और उसको हमने फिर अभी यहाँ पे अरेस्ट किया है। उसको DRI ने भी ट्रांसफर करके लिया है और संतोष सिंह जो DRI के मैजिस्ट्रियल कस्टडी में है वो भी हम अभी इसमें ट्रांसफर करके रहने वाले हैं। तो एक बहुत ही इनका इंटरस्टेट एक रैकेट था जो हरियाणा में फैक्ट्री सेटअप ऑलरेडी कर चुके थे, हैदराबाद में करने का उनका चल रहा था, महाराष्ट्र में भी इनिशियल स्टेज में उनका फैक्ट्री सेटअप करने का चल रहा था। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई थाना आयुक्तालय की तरफ से थाना क्राइम ब्रांच ने की है। इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी राजू सिंह को जब कस्टडी में लिया जाएगा तब आगे जाके और कुछ बातें समझ में आएगी। सर, इसमें मास्टरमाइंड जो कौन था, इसमें नॉर्मली जो पैसे की फंडिंग हो रही थी वो कौन कर रहा था, पूरा इस बारे में क्या जांच? इसमें मेजर जो राजू सिंह है वो एक्चुअली उसमें मास्टरमाइंड था और जो हरियाणा में फैक्ट्री सेटअप उन्होंने किया था तो लोकली वहाँ पे जो फैक्ट्री ओनर थे उनके साथ उन्होंने टाइप करके इन्होंने ये फैक्ट्री वहाँ पे खड़ी की थी। तो राजू सिंह जो है वो मास्टरमाइंड इसमें है और अभिषेक कुंतल वो भी उसमें टेक्निकली साउंड है। तो ये तीन चार लोग मिलके ये सब कर रहे थे। तो इन्होंने हरियाणा में ऑलरेडी तैयार किया था और महाराष्ट्र में ये
तैयार करने में, मतलब फैक्ट्री सेटअप खड़ी करने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन में सामने आने के बाद ये जो उनकी कुछ मनीषा थी ये करने की, वो खत्म हो गई है। सर राजीव सिंह जी नाम भी पता चल रहा है, राजीव सिंह है कि ये बंदा है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है, पीछे से रहने वाला कहाँ का है? ये राज संतोष सिंह उर्फ राजू उसको बोलते हैं, ये रहने वाला लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश से है। और ये इसके ऊपर भी पहले जो DRI का जो कार्रवाई हुई है अभी, उसके ऊपर पहले कुछ गुने दाखिल है या नहीं है, ये अभी उसको इंट्रोगेशन में हम जब कस्टडी में लेंगे पूछताछ होगी तो कहाँ कहाँ पे इसने पहले गुने किए, कहाँ पहले उसने SIMD का प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज वगैरह की है, ये सब पता चलेगा। अब ये कस्टडी में आने के बाद ये सब बातें सामने आएंगी। सर लगातार मुमरा का ही नाम सामने आ रहा है। मुमरा में आपने एक और भी रैकेट बर्स्ट किया जहाँ पे आपने MD रिकवर किया गया, मुमरा ही टारगेट किया जा रहा है, क्या एग्जैक्टली सर बताओ क्या रीजन है? मुमरा में ये जो दोनों हमने अभी जो दो प्रेस नोट हमने दी है, दो गुने दाखिल किए उसमें, दोनों में जो आरोपी है, पहले जो विक्रेता है वो दोनों में उमरा के आ रहे हैं, लेकिन हम जब बैक ट्रेल करें तो कुछ उसके आरोपी मुंबई के भी है, कुछ नए मुंबई के, कुछ रायगढ़ के है। तो मुमरा में निश्चित स्वरूप से कुछ आरोपी वहां पे पाए गए हैं, लेकिन अगर ऐसा मुमरा में कुछ आरोपी वहां पे कर रहे काम तो निश्चित रूप से थाना पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, उसमें RS भी किए गए हैं, और भी अगर इंफॉर्मेशन वहां पे आती है तो निश्चित रूप से हम वहां पे कार्रवाई करने वाले हैं। इस तरह का गुनाह उजागर करने के लिए पुलिस को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जिन टीम ने सारी चीजों को सुलझाया उनके लिए किस तरह के साफ के रूप में रिवॉर्ड रहा है? निश्चित रूप से एंटी नार्कोटिक सेल थाना ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ACP कार्ले और उनकी सीनियर PI शिंदे और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये बेस्ट डिटेक्शन के लिए हम आगे कर रहे हैं ये डिटेक्शन, और उसमें ये जो सीनियर लेवल पे भी ये काम सराहा गया है, और उसमें सीनियर लोगों ने भी इसमें रिवॉर्ड दिए हैं, तो अच्छा काम किया है तो अच्छा रिवॉर्ड भी उनको दिया गया है। सर आपकी सवाल से DRI जिस इंटरनेशनल किस तरीके से आप? निश्चित रूप से अभी जो उन्होंने हमारा आरोपी लिया है तो उनके ऑफिसर भी यहाँ पे आके क्या पूछताछ करके चले गए। अभी हमारी भी टीम, अगर राजू सिंह जब हम कस्टडी में लेते हैं संतोष सिंह, तो उसके बारे में भी जो जानकारी लेने के लिए हमारी टीम DRI से अप्रोच होगी, और एक कोऑर्डिनेशन के साथ ही इसका आगे का जो तपास है वो चलेगा। तो ये थी ठाणे देशज मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज आपकी खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।